गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे, वेदर इट इज़ फॉर प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब। तो आज हमारी जो वैकेंसीज़ है, इट इज़ स्पेशली फ्रॉम उत्तराखंड एंड हरियाणा, क्योंकि आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं आप लोगों को उत्तराखंड की वैकेंसीज़ भी डालूं, बट येस ड्यू टू सम प्रॉब्लम मैं नहीं डाल पा रही थी। बट आज उत्तराखंड की बहुत सारी वैकेंसीज़ मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, और ये सारी की सारी वैकेंसीज जो हैं दे आर लेटेस्ट वैकेंसीज, अभी दो दिन पहले ही निकली है। तो हमारी जो पहली वैकेंसी है, इट इज़ फ्रॉम माउंट लिटेरा जी स्कूल, इट इज़ इन देहरादून, 9A ऋषि विहार मेहूवाली नियर शिमला बाईपास रोड, ये वहाँ पे आपका स्कूल है। इसमें जो आपकी वैकेंसीज है, काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं एंड बेसिकली इट इज़ फॉर PGT एंड TGT। फर्स्ट जो वैकेंसी है, इट इज़ फॉर हेड मिस्ट्रेस, जो आपकी हेड मिस्ट्रेस होती है उसकी वैकेंसी है। एंड देन नेक्स्ट वैकेंसी इज़ फॉर PGT कंप्यूटर साइंस, TGT कंप्यूटर साइंस एंड इंग्लिश। अभी फ़िलहाल यही वैकेंसीज है इस स्कूल के अंदर। आपको जैसे भी अप्लाई करना है, इसमें आपको ऑनलाइन इनके ईमेल आईडी पे अपना लेटेस्ट CV को सेंड करना है, और अगर एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल होगा तो मैं भी आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। नेक्स्ट वैकेंसी इज़ फ्रॉम देहरादून वर्ल्ड स्कूल, इट इज़ इन रायपुर बालावाला रोड नथुआ विच, एंड इसमें जो वैकेंसीज है, इट इज़ फॉर द पोस्ट ऑफ PGT हिस्ट्री। इसमें एक ही पोस्ट है PGT हिस्ट्री की, बट मैं आपको ये कहूँगी अगर वैकेंसीज आपके सब्जेक्ट की नहीं भी है, बट आप क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आप लोग डेफिनेटली उस फॉर्म को कम्प्लीटली फिल करके अपना CV को अटैच कर सकते हैं। अदरवाइज़ जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, अगर मान लो PGT हिस्ट्री की वैकेंसी है, बट अगर आप बिजनेस स्टडीज़ के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, पॉल साइंस के लिए, मैथ्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप क्या करिए, अपना CV जो है इनकी ईमेल आईडी पे सेंड कर दीजिए एंड सब्जेक्ट में मेंशन करिए CV फॉर द पोस्ट ऑफ जो भी आपकी पोस्ट है। जब भी, क्योंकि मिड सेशन में भी कई बार क्या होता है, टीचर्स स्कूल छोड़ देती हैं, तब उस टाइम पे यही होता है कि जो ईमेल के अंदर इनके इनबॉक्स में जितने भी टीचर्स के CV आते हैं, इनको ज़रूरत पड़ती है, तो ये लोग डेफिनेटली कॉल करते हैं। मुझे कैसे पता है, क्योंकि इट इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। जब मेरे को कहीं पे वैकेंसीज नहीं मिलती थी आज से 7-8 ईयर्स बैक, तो मैं क्या करती थी, जितने भी मेरे अच्छे अच्छे स्कूल्स थे और मेरे विसिनिटी में थे, मेरे घर के आसपास से, तो मैं अपना CV सारे स्कूल्स की ईमेल आईडी पे सेंड कर देती थी। 15 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में मुझे रिप्लाई ज़रूर आता था। इसलिए मैं आप लोगों को भी ये बोलूँगी कि आप परेशान मत होइए, निराश मत होइए कि आप लोगों के सब्जेक्ट की वैकेंसी नहीं है। आप सिर्फ अपने सब्जेक्ट की वैकेंसी डाल के और ईमेल आईडी पे अपना CV सेंड कर दीजिए। नेक्स्ट वैकेंसी इज़ फ्रॉम DD पब्लिक स्कूल, इट इज़ इन ग्रही कैंट देहरादून अगेन। इसमें जो है आपकी नॉन टीचिंग की भी वैकेंसी है, जैसे कि फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव की, इन्हें फीमेल चाहिए। देन दे हैव वैकेंसी फॉर PRT पोस्ट, NTT पोस्ट, TGT इंग्लिश एंड TGT सोशल साइंस। नेक्स्ट वैकेंसी इज़ फ्रॉम सेंट्रल वुड स्कूल, इट इज़ इन देहरादून अगेन एंड इट इज़ इन कारगी ग्रंथ बंजारा वाला रोड शिवालिक एक्सटेंशन शिवालिक एनक्लेव। अगेन इट इज़ फ्रॉम देहरादून। इसमें जो वैकेंसीज है, इट इज़ फॉर द पोस्ट ऑफ PGT इंग्लिश, PGT बायोलॉजी, TGT इंग्लिश, देन PRT मैथ्स एंड PRT इंग्लिश। ये सारी आपकी वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट वैकेंसी इज़ फ्रॉम फ्लावर पब्लिक स्कूल, इट इज़ इन देहरादून अगेन, इट इज़ तापकेश्वर रोड ग्रही कैंट। इसमें जो वैकेंसी आई है, इट इज़ फॉर द पोस्ट ऑफ PGT कॉमर्स, PGT केमिस्ट्री, PGT इंग्लिश एंड PGT कंप्यूटर्स। देन दे है वैकेंसी फॉर TGT बायोलॉजी, TGT हिस्ट्री, TGT सिविक्स, TGT ज्योग्राफी, NTT एंड प्राइमरी टीचर्स। ये सारी की सारी वैकेंसीज जो हैं आपकी, ऑल आर फ्रॉम देहरादून उत्तराखंड। नेक्स्ट वैकेंसीज जो हैं आपकी फ्रॉम हरियाणा, दैट इज़ फरीदाबाद। इसमें बहुत अच्छे स्कूल से वैकेंसी है, दैट इज़ GD गोयनका पब्लिक स्कूल, इट इज़ इन पटेल नगर फरीदाबाद। इसमें जो आपकी वैकेंसीज है, इट इज़ फॉर द पोस्ट ऑफ हेड मिस्ट्रेस, देन PRT ऑल सब्जेक्ट्स। अगर आप PRT हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कंप्यूटर साइंस, सोशल साइंस, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यू आर ओपन फॉर एवरी पोस्ट। देन दे हैव वैकेंसी फॉर प्री प्राइमरी टीचर ऑल्सो, देन स्कूल काउंसलर, TGT इंग्लिश, देन TGT सोशल साइंस, TGT साइंस, TGT हिंदी, TGT कंप्यूटर, TGT स्पोर्ट्स, म्यूजिक, डांस, थिएटर। एंड देन दो आपकी नॉन टीचिंग की वैकेंसी है, दैट इज़ फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव एंड अकाउंटेंट। नेक्स्ट वैकेंसी इज़ फ्रॉम अगेन यू हैव दिस सत्युग दर्शन विद्यालय। इसमें आपकी जो वैकेंसी है, इट इज़ फॉर द पोस्ट ऑफ PGT फिजिकल एजुकेशन, TGT मैथ्स एंड TGT साइंस एंड एडमिशन काउंसलर। देन वन मोर वैकेंसी, इट इज़ ऑफ MM पब्लिक स्कूल करनाल आसन। इसमें जो वैकेंसी है, इट इज़ फॉर द पोस्ट ऑफ PGT
देन टीजीटी फ्रेंच टीचर, टीजीटी सोशल साइंस, पीआरटी ऑल सब्जेक्ट्स एंड पीआरटी साइंस एंड पीआरटी पंजाबी. ये सारी की सारी वैकेंसीज दे ऑल आर फ्रॉम उत्तराखंड एंड हरियाणा. स्पेशली हरियाणा में फरीदाबाद की वैकेंसीज है. तो अगर आप लोग इन पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप लोग अप्लाई कर सकते हैं. मतलब विद इन 2-3 डेज आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा. घर बैठे बैठे आपको फ्री एप्लीकेशन करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन. नेक्स्ट मैं आप लोगों को ये बता दूं कि येस, मैं आपके कमेंट्स पढ़ रही हूँ कि आप लोगों ने मुझसे द्वारका की वैकेंसीज भी पूछी है, नोएडा की भी पूछी है, गुरुग्राम की भी पूछी है. तो डेफिनेटली मैं अपने नई वैकेंसीज के साथ एज सून एज पॉसिबल कोशिश करूँगी डालने की, मे बी इवनिंग में. पहले मुझे खुद को भी सर्च आउट करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ किस किस स्कूल में वैकेंसीज निकली हैं. देन आई विल लेट यू नो एज सून एज पॉसिबल. सो कीप ऑन अप्लाइंग, कीप ऑन वर्किंग हार्ड. अपने CV को अपडेट करते रहिए. जो भी आपकी लेटेस्ट क्वालिफिकेशन है, लेटेस्ट आपका एक्सपीरियंस है, अपने CV में डालना बिल्कुल ना भूलें. आपके टैलेंट, आपका एक्सपीरियंस, आप लोगों की ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो भी आपने अपने पुराने स्कूल्स में प्ले करी हैं वो डेफिनेटली डालिए. और हॉबीज़ के अंदर ऐसी हॉबीज़ डालिए जो स्कूल के लिए बेनिफिशियल होगी, जो स्कूल को कुछ फ़ायदा देगी. अदरवाइज़ अगर हम कुकिंग डाल लेते हैं कई बार तो वो स्कूल वाले सोचेंगे कि हम उसका क्या कर सकते हैं. तो इस तरह की हॉबीज़ डालिए जो स्कूल वालों के लिए बेनिफिशियल हो, उनको कुछ फ़ायदा मिल सके उससे. एंड टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे.